झारखंड हाईकोर्ट तक रांची के शुक्रवार की घटना पहुंच गई है। डाल्टनगंज के रहने वाले पंकज कुमार यादव ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर कर शुक्रवार की घटना में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जांच कराने का आग्रह किया है। उन्होंने याचिका में 9 लोगों को रिस्पोंडेंट बनाया है। इसमें हैदराबाद के सांसद ओवैसी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के महासचिव यास्मीन फारूक को आरोपी बनाया गया है। मामले में रांची के उपायुक्त, SSP, मुख्य सचिव, NIA, ED और आयकर आयुक्त को पार्टी बनाया गया है। दायर याचिका में कहा गया है कि NIA इस प्रायोजित दंगे की जांच करे और यह पता करे कि किस संगठन ने फंडिंग कर शुक्रवार की घटना को असली जामा पहुंचाया। नूपुर शर्मा के बयान पर जिस तरह से माहौल बनाकर तेजी से वरे आरक्षी अधीक्षक और हजारों लोगों पर पत्थरबाजी की गई, जिसमें कई थानेदार भी शामिल है, जिन लोगों ने एक समुदाय के लोगों को उकसाया है। झारखंड संपत्ति विनाश एवं क्षति निवारण विधेयक 2016 के तहत जिला प्रशासन के अधिकारियों को संदिग्ध आरोपियों के घरों को डिमोलिश करने का आदेश भी दिया जाना चाहिए। याचिका में एक खास समुदाय को लक्ष्य कर आक्रमण करने वालों की पहचान करने की मांग की गई है। सर्वोच्च न्यायालय के 24 नवंबर 2016 को याचिका 6718 ऑफ 2016 के जजमेंट के आधार पर झारखंड हाईकोर्ट ने मामले की संज्ञान ली। इस याचिका में बांग्लादेशी और रोहिंग्या समुदाय के लोगों पर भी आरोप लगाया गया है जो रांची में रह रहे हैं। यह कहा गया है कि इनकी भूमिका पर भी जांच होनी चाहिए। याचिकाकर्ता के पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ रांची के अलगाववादियों का लिंक तलाशने की मांग भी की है। यह कहा गया है कि PFI एक्टिविस्टों को 10 जून 2022 को देश के 14 राज्यों में ऐसी हिंसा की है। 3 जून 2022 को कानपुर में भी हिंसा घटनाओं को अंजाम दिया गया है। यह कहा गया कि PFI ने स्थानीय लोगों की मदद से यह टारगेट वायलेंस किया है। इसके लिए PFI फंडिंग भी की है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जीएन भारत। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।